में मिलन, आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन फ्री स्टडी में। तो दोस्तों, कल मैंने एक टाइप शुरू कराया था, ट्रेन यानी टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे वो लोग हमारी पिछली वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जिसमें मैंने एक सवाल लिया है, सवाल क्या है, एक व्यक्ति 1/4 भाग बस द्वारा और 1/3 भाग रेल द्वारा तथा शेष भाग 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर करता है, तो कुल दूरी क्या है। दोस्तों, आप देख लीजिए, दोस्तों कुल दूरी निकालना है, बस आपको जो दिया है उसे लिख लीजिए। 1/4 भाग बस से करता है दोस्तों और 1/3 भाग, दोस्तों जो भी कर रहा है उसे जोड़ना पड़ेगा, जब भी टोटल दूरी निकलेगी। आप मान लीजिए 5 किलोमीटर पैदल, 10 किलोमीटर गाड़ी से, इसको जोड़ेंगे जब भी तो टोटल दूरी होगी। तो मैंने क्या लगाया, यहाँ जोड़, और शेष उसने बोला है, शेष को हम एक साइड लिख देते हैं दोस्तों, शेष 20 किलोमीटर दूरी, क्योंकि ये क्लियर है दोस्तों और ये वाला हमें पता नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए, बस 4 और 3 का एलसीएम। मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे लेना है, जब छोटे नंबर हो आपस में मल्टीपल कर दीजिए दोस्तों, 4 3 12, तो टोटल क्या है दोस्तों, 12 एलसीएम। आप देखते हैं, 12 इस साइड रख दो, 12 ये भी रख दो दोस्तों, बस 4 से 3 प्लस 3 4 12। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, टोटल एलसीएम 12 आया, 4 का 12 में भाग दिया 3 और 3 का 12 में भाग दिया 4, जिसे मैंने ऊपर लिख दिया है। अब दोस्तों देख लीजिए, बस इन दोनों को जोड़ोगे क्या आने वाला है दोस्तों, 7, और ये तो पहले से ही 12 है। अब आपको दोस्तों, आप ये मान लीजिए बस, इसे कुल दूरी मान लीजिए और इसे ये जो भाग दिए हुए हैं 1/4 और 1/3 द्वारा चली गई दूरी मान लीजिए, चली गई दूरी वो भी किसके द्वारा दोस्तों, बस और रेल, क्योंकि दोस्तों हमने अनुपात किसका लिखा था, या जो भी भाग था 1/4 और 1/3 किसका है दोस्तों, बस और रेल का। इसके बस और रेल का क्या बना, यहां पर टोटल 7 चली है बस और रेल द्वारा और कुल दूरी 12 है। तो दोस्तों डिफरेंट कितना है, 5 का। अब शेष जो बच रहा था, हमारे हिसाब से आप कह सकते हो 5 शेष है, और जो शेष उसने चला है कितना चला है दोस्तों, 20 किलोमीटर चला वाला ऊपर और हमारा वाला नीचे। पूछा क्या है, कुल दूरी क्या मानी हमने, 12, 5 से काटोगे 5 4 4, 48 किलोमीटर। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने सवाल में कुछ नहीं किया है, जो दिया है दोस्तों बस उसको लिख दिया है और आंसर आ गया। क्या लिखा है दोस्तों, 1/4 भाग बस द्वारा और 1/3 भाग ट्रेन द्वारा, शेष 20 किलोमीटर पैदल चलता है। देख लीजिए, शेष को मैंने एक साइड लिख दिया दोस्तों, से अभी हम छोड़ देते हैं। दिया है 2 हमें भाग दिए हैं, इसका मैंने एलसीएम लिया, और एलसीएम मैंने आपको दोस्तों बताया कैसे लेना है, जब छोटे नंबर हो आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 4 3 12, ये एलसीएम आया। अब कुछ नहीं, इस 4 से 12 में एक बार भाग दोगे, 4 3 12, और इस 3 से 12 में भाग दोगे, 3 4 12, बस प्लस था दोस्तों, प्लस किया 7 और 12। अब आप ये कह सकते हैं, बस और रेल द्वारा चली गई दूरी 7 है और कुल दूरी 12 थी। अब जो इन दोनों में शेष बच रहा है दोस्तों कितना है, 5, परंतु हमारे सवाल में कितना शेष था, 20, बस सवाल वाला 20 ऊपर और हमारे द्वारा जो शेष बच रहा है वो नीचे। अब दोस्तों पूछा गया है कुल दूरी कितनी, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कितनी है, 12। अगर आपसे पूछा गया होता सवाल में कि बस द्वारा चली गई दूरी क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, बस 3, मतलब 3 का मल्टीपल कर देते, कितना आता दोस्तों, 12 किलोमीटर। तो दोस्तों एक आध सवाल और ढूंढ रहा हूं मैं दोस्तों इसी प्रकार का। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं सामान्य चाल और जो दोस्तों कम करके क्या रहता है, वास्तविक चाल ऐसा रहता है। वास्तविक चाल पर आधारित मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा है, सवाल क्या है देख लीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर ऑफिस सामान्य चाल की तुलना में 20 मिनट देरी से चलता है, पहुंचता है, चलता है, तो लिया जाने वाला समय कितना होगा। तो लिया जाने वाला सामान्य समय, मतलब अगर वह बोल रहा है अगर सामान्य चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, ये तो उसने बोला है कम करके। देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से, मतलब कोई भी चाल हो, मान लीजिए 100 है और इसकी 3/4 चाल से चले तो कितना आएगा दोस्तों, 20, 4 से सॉरी 25
और ये 75, यानी 75 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। मैं एक डेमो दे रहा हूं दोस्तों, बाकी ऐसे हमें नहीं करना है। अब 75, परंतु उसने क्या बोला है, अगर वह यही चार की चाल से चलता यानी 100, मैंने 100 माना, इसी 100 से चलता तो जल्दी ही पहुंचेगा दोस्तों। 75 और 100 बहुत अंतर है दोस्तों, यानी ये 25 स्पीड ज्यादा बना रहा है, इससे बोलेंगे हम सामान्य चाल, और ये कम या अधिक, अधिक भी हो सकती थी। तो मैं अब दोस्तों इस सवाल को कराने वाला हूं, आपको क्या करना है दोस्तों, उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल, सबसे पहली बात क्या चल रहा है दोस्तों, चाल, चाल की 3/4। अगर टोटल हम, मैं बोलूं दोस्तों आपसे, टोटल आप सामान्य चाल इसे मान लीजिए, और जो चल रहा है वास्तविक यानी वर्तमान वाली चाल, ये वास्तविक कह सकते हो, ये चाल से चलता है, परंतु उसने इसमें से थोड़ा बहुत कम कर दिया तो वो कम हो गया, मान लीजिए 3/4 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी वर्तमान चाल और ये वास्तविक चाल। बस इतना आपको कर देना दोस्तों, वास्तविक का मतलब दोस्तों जो सामान्य चाल से वो चलता है उसे हम सामान्य कह सकते हैं, और कम की हुई या ज्यादा करने वाली चीज को हम वर्तमान। मान लीजिए अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर चलने लगूं तो मैं वर्तमान में कितनी स्पीड से या कितनी कम करके चलूंगा, कितने देर में पहुंचूंगा, आपको देखना है। अब क्या है देख लीजिए, ये इसकी सामान्य चाल जो 4 है, इसे मैंने टोटल को सामान्य माना दोस्तों। यहां अगर 5 भी होता और ये 6 होता यानी 6/5 ऐसा होता तो हम 6 किसको मानते, वर्तमान को, और 5 सामान्य को, ये बढ़कर जाता तो जल्दी पहुंचता दोस्तों, बस हमें यही याद रखना है। परंतु इस सवाल में क्या दिया है, 3/4 चाल से चलने पर 3/4, मैंने 3 वर्तमान को मान लिया दोस्तों, यानी पहले वाली को वर्तमान, और सामान्य किसे माना दोस्तों, सामान्य चाल नीचे वाली को, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वाली यही हो रही है, देरी हो रही है इसलिए मैंने इसको मान लिया। आप तो सीधा सा कर लीजिए, अगर देरी हो रही है तो कम वाली को वर्तमान मान लीजिए, और अगर जल्दी हो रहा होता तो ज़्यादा वाली को वर्तमान मान लीजिए। दोस्तों आप इतना देख लीजिए, अगर आप 4 की चाल से जाओगे और 3 की चाल से जाओगे, तो 4 से जाओगे तो जल्दी और 3 से जाओगे तो देरी, हमारा सवाल देरी में है, तो हम देरी वाले को वर्तमान मान लेते हैं और सामान्य चाल समान। अब क्या करना है दोस्तों, जब चाल दी हो तो समय निकाल लीजिए, और समय निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब बस समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉर्मूला याद है दोस्तों, तो आप जस्ट 2 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हो। दूरी 1 मान लीजिए, चाल क्या है दोस्तों, वर्तमान है 3 और सामान्य है 4, तो 1/4, ये भी दूरी 1 मानी, ये भी। एलसीएम लोगे दोस्तों 12, इस साइड लिख दीजिए आप, तो बस 3 से 4 और 4 से 3, ये क्या आया है दोस्तों, समय, तो ये आपका आंसर कैसे होगा। अब समय, ये तो हमने समय का अनुपात निकाला, 4, 3, जो समय दिया है उसका दोनों में गुणा कर दीजिए, बस ये 4 वाले में 20 का गुणा, ये 4 वाले में 20 का गुणा, तो ये 20 60 और ये 20 चौको 80, मिनट में है तो दोस्तों मिनट कर दीजिए, ये मिनट। अब पूछा क्या है, तो लिया जाने वाला सामान्य समय, अब सामान्य तो दोस्तों सामान्य वाला ये वाला है, तो कितना है सामान्य, 60 मिनट, और अगर वर्तमान पूछा होता 80 मिनट, तो दोस्तों सवाल हमारा कैसे और भी हम सिद्ध कर सकते हैं देख लीजिए, तो सामान्य चाल की तुलना में 20 मिनट थे, सामान्य चाल है 60, सामान्य चाल से 60 मिनट में जाता है, परंतु इसने क्या बोला है, ऑफिस सामान्य चाल की तुलना में 20 मिनट देरी से, क्या हम 20 मिनट लेट हो रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए ये 60 और ये 80, 20 मिनट देर। तो दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है इन सवालों में, क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4, मैंने क्या बोला आपसे, अगर वो 20 मिनट जल्दी जाता तो क्या, ये देरी है, यहां पर अगर जल्दी लिखता हूं मैं तो हमको वर्तमान चाल बड़ी मान लेनी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये क्या है 4/3, तो जल्दी जा रहा है तो दोस्तों स्पीड भी तो उसकी चाल भी तो तेजी होगी दोस्तों, आप इतने समझ लीजिए, आपकी बाइक है आप 30, ये एक साइड लिखा है, एक जगह 40 लिखा है, तो जल्दी कौन सी वाली से पहुंचने वाले हो, बस उसी को क्या वर्तमान और सामान्य उसको मान लीजिए कम दोस्तों, बस अगर देरी होता तो कम वाले को हम मानते, बस इतना याद रखना है दोस्तों। एक और सवाल ले रहा हूं मैं, आप बस सेकेंड में उसका हल निकाल देंगे दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल दोस्तों उसी प्रकार का जस्ट पहले जो मैं करा चुका हूं दोस्तों, बस आपको याद रखना है हमने किया क्या था दोस्तों। देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल
मैं 30%, अब प्रतिशत, तो दोस्तों चाल है प्रतिशत, क्या चल रहा है दोस्तों, प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो सामान्य चाल 100 मान लीजिए और उसमें 30% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 130। अब क्या है दोस्तों, देख लीजिए सामान्य चाल, अब दोस्तों सामान्य चाल में वृद्धि की, तो ये तो सामान्य हुई दोस्तों, सीधी सी बात, और ये क्या हुई वर्तमान, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्या पहुंच रहा है वह अपने घर सामान्य चाल की तुलना में 12 मिनट पहले, पहले पहुंच रहा तो स्पीड ज़्यादा होगी और ज़्यादा वाले को वर्तमान, देरी होता तो दोस्तों कम होती, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली होगी, अगर जल्दी पहुंच रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी दोस्तों जो चाल दी हुई है, और लेट पहुंच रहा होगा दोस्तों तो स्पीड कम होगी। अभी हमारे पास दो स्पीड दी हुई है, मान लीजिए ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 130, अगर जल्दी पहुंच रहा था दोस्तों किससे जल्दी पहुंचेगा, 130 वाली से, तो इसे हमने क्या माना वर्तमान और सामान्य। आ गया दोस्तों, बस आप देख लीजिए क्या करना है हमें, 10 से 10 काट दीजिए, अनुपात भी बन जाएगा दोस्तों, ये 10-3 रह जाएगा, 10-13 सॉरी। अब आपको क्या करना है, ये चाल दी हुई है दोस्तों, अब हम समय निकालते हैं क्योंकि हमारा सवाल समय में दिया हुआ है, 12 मिनट ये समय है दोस्तों, तो समय निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता नहीं है, आपको एक मान लेना है बस, और चाल पहले वाली 13, दूसरे वाली 10, इसको भी एक, इन दोनों का एलसीएम लोगे दोस्तों, मैंने बोला जब नंबर सिस्टम छोटे हों तो बस आप मल्टीपल कर दीजिए, 13 का 10 में 130, यहाँ 130 लिख दीजिए, या आपको कुछ नहीं करना है, 130 एलसीएम आया, और इसे काटोगे 13 से 10 बार, ये स्पीड है, और 10 से काटोगे 13 बार, तो दोस्तों समय का क्या अनुपात बना, 10-13, जस्ट इसका उल्टा हो चुका है, ये है समय। देख लीजिए दोस्तों चाल का अनुपात 13-10 था, ये चाल है, मैंने समय निकाला, बस कैसे निकाला दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 130 आया, 13 से काटा 130 को 10 बार, और 10 से काटा 130 को 13 बार। अब दोस्तों देख लीजिए समय निकला तो समय का गुणा कर दीजिए, बस समय निकला तो समय का गुणा, 10 का 12 में 120, 12 का 13 में 156। अब दोस्तों अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है दोस्तों, आप सोचो आंसर है, आंसर नहीं आया है, हम उसने क्या बोला, अपने घर से सामान्य चाल की तुलना में 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, हमारा अंतर कितना है दोस्तों देख लीजिए, लगभग 46 का आ रहा है दोस्तों, सॉरी 36 के लगभग, हमें कुछ नहीं काट देना है, जब तक हमारा अंतर 12 ना हो जाए हमें काटना है दोस्तों, देख लीजिए ये दोनों, और ये भी देखना है किससे कट रही है दोस्तों, आप काटोगे 2 से कटेगी 60, 2 से काटोगे 7, 1 बचा 8, और 2 से काट दीजिए दोस्तों 30, और 2 3 2 9, तो दोस्तों ये ज़्यादा हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए दोस्तों अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कोई और संख्या से काटिए, 3 चौक 12 3 5 15 और 3 2 6, दोस्तों अंतर क्या है 12 मिनट आंसर कैसे आया दोस्तों देख लीजिए, बस हमें 12 मिनट का अंतर बना लेना है दोस्तों, देख लीजिए मैंने क्या किया है, सवाल में एक व्यक्ति अपनी चाल का 30% में वृद्धि करता है, 100 माना, 30% वृद्धि 130 हो गया दोस्तों, 1 से 10 13-10 रह गया दोस्तों। अब चाल दी हुई है हमें 13 और 10 के अनुपात में, समय निकाला, समय का क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमने एक मानी, चाल फर्स्ट वाली जो वर्तमान थी उससे वो 13 थी, और सेकंड सामान्य वाली 10, तो दोस्तों इसका एलसीएम लिया 130 आया, 13 को 130 से काटा 10 बार, और 10 से 130 को काटा 13 बार, दोस्तों ये क्या आया हमारा समय, और समय आया है तो समय का मल्टीपल कर दीजिए, कितना समय दिया है 12 का इसमें किया, 12 का इसमें किया दोस्तों, तो क्या 120 और 156, इसमें बस हमें 12 का अंतर बनाना है दोस्तों, 3 से काटा 40-52, आप 2 से काटोगे अगर अब नहीं बनता है, बस दोस्तों हमारा यहाँ तक सही है, आपको ये देख लेना है यहाँ तक तो सही आ गया है, आप 2 से काटोगे 30 और 39 पे जाके रुक जाएगा दोस्तों, पर अंतर 9 का हो रहा है, फिर ऐसा करिएगा दोबारा से ऊपर जाइए 3 से काट दीजिए, अगर 3 से भी नहीं आता है तो 4 से काट दीजिए, बस हमें क्या करना है दोस्तों, वैसे 2 से ज़्यादा बार नहीं काटना, 2 से या 3 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हमें क्या बनाना है 12 मिनट का अंतर, मैंने 3 से काटा 40, 3 से काटा 5 और 2, अंतर कितना है दोस्तों 12, बस हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। एक और सवाल ले रहे हैं हम,
तो दोस्तों देख लीजिए, हमसे सवाल में पूछा क्या था मैं थोड़ा बताना भूल गया, उसी दूरी को अपनी सामान्य चाल से चले तो पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देख लीजिए, पहले तो बस हमें ये हमने अनुपात बनाया और 12 मिनट, ये अंतर आने के बाद अब बस आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। वर्तमान से कितना समय लगा अगर उसने पूछा कि वृद्धि करने के बाद टोटल समय कितना लगा, अंतर तो हमें बता दिया 12 मिनट पहले पहुंचता है, ये तो पहले दिया दोस्तों, पर टोटल समय पूछा होता तो हमारा वर्तमान वाला ये रहा दोस्तों, ये 40। और अगर आप वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, आप वर्तमान और सामान्य कैसे आंसर इसका आप उत्तर दोगे, वर्तमान। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि अगर सामान्य चाल कम है, यानी कि देखिए वर्तमान चाल अधिक है तो समय कम ले रहा है, तो वैसे ही वर्तमान हो गया दोस्त। देख लीजिए, इसने बोला है अपने सामान्य चाल की तुलना में 12 मिनट पहले, यहाँ पर देख लीजिए पहले किस में पहुँच रहा है दोस्तों, वर्तमान, तो ये वर्तमान और सामान्य, तो फिर वर्तमान का पता चल गया तो सामान्य आपको वैसे ही पता है दोस्तों। तो सामान्य का पूछा है हमसे तो दूरी को अपनी सामान्य चाल से कितने समय में तय करेगा या पहुंचेगा, 52 मिनट में। और अगर पूछा होता वर्तमान चाल से टोटल कितना समय लेगा, 40 मिनट। दोस्तों आप आंसर आ गया होगा आपका, एक और सवाल ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया है, ये सवाल दोस्तों हम जो कल कराने वाले हैं, इसलिए एक सवाल मैं डेमो दे रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हम कल कराएंगे दोस्तों। मैंने सवाल लिया है, सवाल क्या है, शिवांगी अपने घर से एक निश्चित समय पर विद्यालय से जाती है, यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है और 6 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो विद्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक फॉर्मूला लिख देना है, चालों का गुणा गुणा बटे में चालों का अंतर अंतर इनटू 60। ये क्यों लिखा दोस्तों, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए आपको 60 का तो गुणा करना ही है अंतर में, और जो समय है उससे भाग देना, यानी टाइम। बस एक चीज आपको टाइम में याद रखनी है दोस्तों, याद रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, देख लीजिए सवाल में, वे 5 मिनट की चाल से चले तो देरी से देरी और 6 से चले तो जल्दी, जब दोनों एक एक बार हो दोस्तों तो प्लस करना है, देरी और जल्दी, अगर देरी देरी है दोस्तों तो माइनस, जल्दी जल्दी माइनस। बस आपको क्या करना है दोस्तों, बस देरी जल्दी, जल्दी देरी हो तो प्लस करना है, और सेम दोनों एक जैसे हो जाते हैं। मान लीजिए सवाल में लिखा होता कि वह 5 मीटर की चाल से चले तो देरी से पहुंचती है और 6 से चले तो भी देरी से पहुंचती है, तो हम इसको क्या करते, माइनस। और माइनस कैसे करते दोस्तों, अब क्या माइनस करना है, एक और चीज़, 5 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 7 मिनट देरी से, तो कितने, 7 मिनट, और 6 से चलती है तो 5 मिनट, हम देरी मानना है दोस्तों 5, तो इसको क्या करना है, माइनस और 2, और इस 2 का गुणा यहाँ पर रख देना है टाइम की जगह दोस्तों, अगर ये प्लस होता तो 12 हो जाता और इस 12 को हमें यहाँ रखना है। तो दोस्तों मैं सवाल स्टार्ट करा रहा हूँ दोस्तों, आपको याद रखना है मैंने क्या बताया, आपको एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, सवाल में अगर देरी देरी आती है, देरी और देरी, तो माइनस करना है, सेम सेम मतलब जो चीज दो बार सेम हो जाए उसे माइनस करना है, और जल्दी और देरी ये प्लस, और देरी और जल्दी ये भी प्लस, बस सेम नहीं हो जा होना चाहिए दोस्तों, अगर सेम है तो आपको माइनस, और दोनों अगर चेंज है, पहले देरी बाद में जल्दी और पहले जल्दी बाद में देरी, तो प्लस कर देना, बस सेम नहीं बनना चाहिए, जैसे कि माइनस माइनस हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें अलग फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, देरी देरी माइनस करना है, जल्दी जल्दी भी माइनस करना है, अगर दोनों चेंज हैं, जल्दी और देरी है, तो आपको प्लस कर देना है। तो दोस्तों देख लीजिए सवाल कैसे करने वाला हूँ मैं, इस फॉर्मूले के तहत चालों का गुणा, अब चाल क्या है दोस्तों, 5 और 6, देख लीजिए पहले वाला 5 × 6, ठीक है दोस्तों, अब क्या है आगे, चालों का अंतर 5 और 6 में अंतर क्या है दोस्तों, 1 × 60 बटे। अब आप देख लीजिए दोस्तों, मेन पॉइंट यहीं पर आने वाला है कि 5 किलोमीटर की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है,
अब 7 मिनट देरी, पहले मिनट लिख लीजिए दोस्तों और ऊपर देरी, इससे आपको ये पता चलेगा इसे जोड़ना है या घटाना। अब सवाल फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए, 5 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 7 मिनट देरी से पहुँचती, और 6 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट, 5 मिनट फिर से लिख दिए, 5 मिनट पहले, पहले या जल्दी वो एक ही बात है दोस्तों। अब दोनों चेंज हो गए दोस्तों, हमें क्या करना है, प्लस, अगर देरी देरी होती तो माइनस करते, पहले पहले होता तो माइनस करते, पहले देरी होता, अभी क्या बना, देरी और पहले, तो प्लस, 7 और 5 12, यहाँ 12 रख दीजिए, 12 से काटोगे 5 बार, 12 5 60, और ये 5 से ये 5 काट जाएगा दोस्तों, बचा क्या है, 6 किलोमीटर दूरी दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको ये फॉर्मूला, जब ये सवाल आते हैं कि इतनी स्पीड से चले देर हो जाता है और स्पीड बढ़ा दे तो जल्दी, कम कर दे तो और देरी, तो दोस्तों कल हम इसी प्रकार के सवाल कराने वाले हैं, इसमें हम क्या वास्तविक समय भी बताएंगे दोस्तों और औसत भी, औसत चाल भी बताने वाले हैं इसी सवाल में। तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो हमारी वीडियो 8:30 पर हम लाइव पढ़ाते हैं, देख सकते हैं, आ सकते हैं। धन्यवाद।